आलू वड़ा बनाने के लिए फर्स्ट हम लोग ने ये आलू वड़े का पत्ता लिया है, इसको है ना, ये जो झाड़ देते हैं ना, इसको ऐसा थोड़ा बेलन से ऐसा करेंगे। उससे क्या होगा मैम? इससे जो ये नार जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए निकालने को देखने का, निकालने को नहीं होता है। ये जब कल मुझे वॉकिंग को जाने का अच्छा फ्रेश ये मिला आलू वड़े का पत्ता, सो मैं लेके आई हूँ। ये तो महाराष्ट्र में तो फेमस है, हर त्योहारों में हर टाइम बनाते हैं, पर हमारा गांव में ज़्यादा नहीं बनाते, हम लोग गाँव में अलग तरीके से चावल का बनाते हैं। आज मैं आलू वड़ा बनाने को दिखाती हूँ। पहले मैं सब पत्ते को ऐसा करके दिखाती हूँ। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, ये देखिए अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अभी हम इसका बैटर बनाएंगे, मसाला उसको डालने के लिए। बैटर बनाने के लिए हम लोग ने एक छोटा सा टोप ले लिया है। अभी इसमें हम लोग बेसन कितना, आधा कप का उतना बेसन लेके, वो अपने ऊपर है, जितना लीस है जितने का बनाएगा उतना हिसाब से। मेरे पास ज़्यादा पत्ता है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, वो उनके ऊपर है। और ये कॉर्नफ्लोर है 2 स्पून, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो राइस फ्लोर भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, दोनों भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है। अभी इसको मैं डालती हूँ तिक्का मिर्ची पाउडर, मसाला मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ इसलिए तिक्का मिर्ची पाउडर 1.5 चम्मच के करीब, थोड़ा सा काला नमक, पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट नहीं रहेगा तो भी चलते हैं मैं ऐसे रास्ते, और थोड़ा सा अजवाइन, कस्तूरी लाल मिर्ची पाउडर एक कलर प्लस स्पाइसी के लिए 2 चम्मच के करीब तक, 1 चम्मच में घर का बनाया हुआ मसाला पाउडर डाल दिया तीखा के लिए, क्योंकि मैं स्पाइसी आलू वड़ा बना रही हूँ इसके लिए। अब इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें से आपको जो नहीं चाहिए वो आप स्किप कर सकते हो। हाँ क्योंकि मैं तो तीखा खाती हूँ इसलिए स्पाइसी वैसी बनाई। हाँ हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं इसलिए हम लोग ने 2-3 मसाला डाला है, आप एक इसे एक से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्वाद अनुसार नमक, नमक आगे पीछे आप चेक करके डाल सकते हो। और क्या डालना है? थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला है वो डाले, थोड़ा सा बस हो गया। अभी हम डालेंगे इसमें लगभग 3 चम्मच के उसमें इमली का पानी, जो मैंने इसको भिगा के ऐसा बनाई इमली का पानी, वो अब इसमें डालूंगी। इमली जरूरी है, इमली सबसे जरूरी है, नहीं तो गले में इचिंग होता है। अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये देखिए अच्छे तरीके से हम लोग ने बैटर रेडी किया है। अभी इसमें हम लोग 1 स्पून का उतना हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 स्पून का उतना वाइट टी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से बनाना चाहिए। हाँ अभी ये पत्ते पे लगा दूंगा। अभी हम लोग इसमें बैटर को डालेंगे, इसको बहुत पतला से लगाने का, जितना पतला होता है उतना पतला, देखिए ऐसा सब जगह पे लगाने का, एकदम पतला पतला लगाने का, नहीं तो आप अगर जाड़ा लगाने को जाएंगे तो आपका बैटर ही बस नहीं आएगा, बैटर बस नहीं होता, सही भी नहीं होता वो। हाँ इडली मुंह में डालो ऐसा हो जाएगा। अच्छा देखिए जिस तरीके से मम्मा कर रही है उसी हिसाब से आपको करना है, देखिए ऐसे हमारे पास बड़ा बड़ा पत्ता है। नहीं 2 ही बड़ा पत्ता मिला, बाकी सब छोटा ही मिला। अब बारिश का सीजन है ना तो बहुत पत्ता आते हैं। ये देखिए इस तरीके से, वैसे मैंने एक कुंडी में भी लगाया पर वो सिर्फ छोटा छोटा पत्ता आया उसमें, उसमें वो नहीं आया अभी तक। अभी हम लोग नेक्स्ट पत्ता लेंगे, उसको 1 मिनट
इस तरह एक सीधा तो एक इस तरफ ऐसे लेने का। देखिए अभी एक आपने इस साइड से लिया है, हाँ एक उस तो तरफ उस लेना। साइड से ये दिखने में थोड़ा हार्ट जैसा दिखता है। ये देखिए एक इधर से लिया है तो नेक्स्ट उधर से, तो क्या होगा जब आप रोल करेंगे तो सही तरीके से रुकेगा उसमें, नहीं तो खुल जाएगा। देखिए ऐसे इसी तरीके से आपको अगर आपको और बाकी भी तीखा चाहिए तो आप हरा मिर्ची पीस के, धनिया अदरक पीस के भी इसमें डाल सकते हो। मैं ये आपको एक सिंपल बताया तरीका। अभी हो गया, अभी इस तरह करेंगे ऐसा। नहीं अभी कैसा रखा था, सही है सही है। सही है ऐसा। कम से कम 5 पत्ता तो एक में रखना चाहिए, नहीं है तो 3 भी रख सकते हो। छोटे छोटे का तो 7-8 पत्ते भी लगा सकते हो। सही, और एक लीसेड कैसे बड़ा के छोटा? छोटा भी तो चलेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा भी, नहीं ठीक नहीं छोटा नहीं तो। अभी वो सही। इस तरह, हाँ देखिए इस तरीके से हम लोग ने अभी इसमें हम लोग 4-5 लीज के बॉम्बे साथ में तो सब लेंगे। लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ पे ना इस तरह नहीं बनाते। हमारे इसमें चावल पीस के उसको फिर मसाला सब डाल के वो काम है वैसा। और इस वीडियो भी मैं नेक्स्ट में अपलोड करूंगी कि उसको हमने क्या ये बोलते हैं करके, माँ? हम लोग उसको पत्थर डे बोलते पत्रा हैं। डे बोलते हैं उसको, वो चावल वो से भी बनता है, हाँ वो इसी पत्ते से वन बनता मोर है। लीव्स। हाँ हाँ उसको बहुत है काम, चावल डाल के इसे पीसने का। इसे वो बहुत ही बहुत काम है उसमें उसमें, बहुत काम है। उसमें आपको अब डिटेल्ड वीडियो हम लोग नेक्स्ट में बना के अपलोड देंगे, करूंगी। अपलोड करेंगे, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। देखिए हम अभी लोग ने उसको अच्छे से कर, अभी हम लोग इसको अच्छे से फोल्ड ऐसा करेंगे। फोल्ड हाँ करेंगे। क्योंकि ये लीव्स बड़ा है ना, लीव्स नहीं बड़ा नहीं भी है। ऐसा नहीं है, वो उधर बंद करने के लिए, हाँ ये तो खुलता है देखो ना। फिर थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगाना है आपको, जिससे वो एज गम की तरह काम करे, जिससे वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। देखिए इस तरह से। आप लोग एक बार बनाएगा तो बार बार बनाओगे, कई हाँ बार बने बनाइए, मोस्टली साउथ साइड वाले को। हाँ हम लोग को इधर यहाँ फ्री में मिलता है, मतलब बारिश नहीं आते नहीं ही। साउथ वाले को बनाने का कोशिश की है। महाराष्ट्र में, मुंबई में तो सब लोग बनाते हैं, हाँ अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग रेसिपी डाल के बनाते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे हम लोग। देखिए बन गया, पैक बाहर नहीं आना चाहिए करके, यहाँ से भी पैक। अगर चाहे तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिखे अंदर करने का। ये देखिए इसी तरीके से हम लोग बाकी का बना के बाद में आपको दिखाएंगे। आप है ना सिंपल भी कर सकते हो, खाली चावल के सॉरी बेसन और थोड़ा सा चावल आटा, नहीं तो कॉर्नफ्लोर और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के वैसा सिंपल में भी आप कर सकते हो। या तो मसाला डाल के, सब बनिया गरम मसाला ये डाल के, चिकन मसाला वो डाल के भी आप बना सकते हो, हरा धनिया पीस के वो डाल के भी बना सकते हो। इसको कुछ नहीं है, खाली सिंपल में भी बनता है, टेस्टी बनते हैं। पर इमली कंपलसरी डालना पड़ता है। आप बेसन के बदले में चावल के आटे से भी बना सकते हो, चावल के बदले में कॉर्नफ्लोर डाल के भी बना सकते हो, हाँ इसमें बहुत सारे वो ऑप्शंस ऑप्शन। हैं। हाँ हाँ कल आप, मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला डाली क्योंकि लिए मैं तो तीखा तीखा खाती हूँ, इसलिए बनाया। मैं अब सिंपल में भी बनाती हूँ पर ये आज अलग तरीके से बनाई मैं, जो घर पे बैठा था मसाला उसमें। आप लोग सिंपल में भी कर सकते हो, एक बार करिए टेस्ट कीजिएगा कैसा बना, ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके हम लोगों को कमेंट बताइए करके इसी वीडियो बताइएगा। के। हाँ अगर इसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा वो भी आप बता सकते हो। ये देखिए साथ ही में हम लोग ने जब बैटर रेडी किया था और उस पर अप्लाई किया था, तब भी हमने गैस में स्टीम के लिए रखे स्टीम थे, के रख इसमें दिया था। अभी हम लोग स्टीम पानी बराबर बॉईल हुआ नीचे से, हाँ इसको अब अभी इसमें स्टीम में रखती हूँ मैं। इसको कम से कम एक 20-15-20 मिनट, क्यों बा पानी ज़्यादा बॉईल हुआ स्टीम ज़्यादा आ रहा करके, तो कम से 15-20 मिनट तो चाहिए। अच्छे से बॉईल हो गया इसलिए हम लोग 15 से 20 मिनट तक हाँ इसको
बीस स्टीम में रखेंगे, पकाएंगे। अभी 20 मिनट के बाद मिलेंगे। ये देखिए हम लोग ने लगभग 20 मिनट तक इसको पका लिया है, ये पक चुका है। अभी गैस बंद करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा ठंडा होने तक रखेंगे, मतलब इसमें रखेंगे ना, निकालने को गर्म है ना, थोड़ी देर रख के फिर आगे का प्रोसीजर बाद में दिखाती हूँ। हाँ, गरम गरम निकालने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रखेंगे, फिर उसके बाद उसे कट करके फ्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं हम आपको। अभी बहुत गर्म है। ये देखिए हम लोग को पक गया, फिर इसको हम लोग स्लाइस स्लाइस कट करके इसको डीप फ्राई करेंगे। ये अच्छे से पक गया, अगर पक्का भी नहीं रहेगा तो ये ऑयल में पक जाएगा। नहीं चलिए पक गया बराबर, मैंने 15-20 मिनट रखा है। इसी तरह से हम इसे कट करेंगे। ये देखिए अंदर से फुल मस्त पक्का है, मसाला के संग सब कितना अच्छे से आया। इसका भी हम शाही फ्राई करेंगे। देखिए हम लोग ने ऑयल गरम करने के रख दिया है, अभी इसको हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। देखिए ये देखिए अभी फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से ऐसे करेंगे, उसके बाद उल्टा 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 करेंगे। पक्का ही हो गया, अभी हम लोग इसको निकालेंगे। ये देखिए हम लोग इसको शैलो फ्राई किया, शैलो फ्राई किया दोनों तरफ से अच्छी तरीके से हम लोग ने फ्राई किया, थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने तक फ्राई किया और अब रोस्ट हुआ। ठीक है, ये देखिए हमारा आलू वड़ा रेडी हो चुका है। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिएगा, घर पे बना के खाइएगा, कैसा लगा हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी बनता है, और इसको आप इसका ट्राई खाने के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। इसको चटनी मिट्टी का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्पाइसी बनाया ना, इसलिए इसको किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। इस आप भी इस रेसिपी को कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा बना है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।